राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में अंतिम चरण चुनाव के लिए मतदान दल को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर मंदिर मंडल मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरापाटन और खानपुर पंचायत समिति में शनिवार को चतुर्थ चरण में मतदान होगा, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निकया गोहायन ने मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही चुनाव में कोरोना गाइडलाइन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दाताराम, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामजीवन मीणा, प्रशिक्षण प्रभारी हरिशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर में पहाड़ी की तलहटी में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिन्होंने टीम के सदस्यों के मोबाइल छीनकर मारपीट कर दी, जिसमें एक बेलदार घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ढोक के भीलड़ी गांव की सरहद में वन भूमि से अवैध खनन कर पत्थर निकाले जा रहे थे, जहां रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की भी बात सामने आई है, जहां नकली रसीद बुक भी मौके से बरामद की गई है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके से पत्थरों से भरे दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। अक्षय सिंह पुत्र भोजराज सिंह है, पूछने पर हमें पता चला था, तो अक्षय सिंह का पुत्र भोजराज सिंह है और उन्होंने अपने अन्य साथियों को बुलाया, साथ में बाबू सिंह करके भूर सिंह, बाबू सिंह सन ऑफ भूर सिंह है, उसने भी उसके साथ में मिलकर के 10-15 जनों ने हमारे ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरों से हमला किया, हम गाड़ी अपनी आगे लेकर चले गए, थोड़ी सी आगे ली और हमारा जो स्टाफ है जिनका नाम है धन्नाराम पुत्र डूंगराराम, उनके ऊपर जो है हमला कर दिया। हमला करने से उनके धन्नाराम पुत्र डूंगराराम है वर्कशॉप स्टाफ है हमारे वन विभाग में, उनके सिर के अंदर जो है काफी चोट आई है। कोटा ग्रामीण में अयाना थाना पुलिस ने हथियारबंद 6 बदमाशों को धर दबोचा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिया की दीवार के सहारे बैठे कुछ हथियारबंद लोग लूट की योजना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने दबिश देकर 6 हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा और एक अवैध देशी कट्टा, रिवॉल्वर, 4 चाकू सहित चोरी की बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद गोलू वर्मा, अंकित बैरवा, महावीर बैरवा, सुरेंद्र बैरवा और विनोद शामिल हैं। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मिली-जुली कार्रवाई है और एक मुकदमा 102/20 थाना अयाने पे दर्ज किया है, अंतर्गत धारा 399-402 डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 6 के 6 लोगों से हमने 2 अवैध हथियार, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा है, 4 चाकू हैं, कुछ फायरिंग राउंड्स हैं और इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद करी हैं। ये कल 3 तारीख को हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली थी, उस पर इसको डेवलप किया गया। पेट्रोल पंप लूट और हाईवे के किसी वाहन या जो भी इनको शिकार मिलता उसकी फिराक में थे ये, और उसके पहले हमारा जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था उसकी सूचना पर, उस सूचना को डेवलप करते हुए साइबर सेल के द्वारा हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नागौर के मुंडवा में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संखवास गांव के रहने वाले 2 युवक बाइक से जा रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं और घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां करणी माता मंदिर के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे के बाद
घायल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में होने के चलते उसे श्री गंगानगर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मिनी मार्केट निवासी महावीर सिंह अपने भतीजे भानु के साथ हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में भानु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महावीर को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भानु की बहनों की शादी होनी थी, उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई। वहीं हादसे की मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। बारा के अंता में रूपपुरा के पास कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को अंता अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घटनाक्रम की जाँच पड़ताल में जुटी है। दादाजी ने बताया है कि मेरा भतीजा शुभम और कुकराज केवल गांव की कोर से अंता की तरफ आ रहे थे। सिंधपुरी धक्का के पास अंता की तरफ से एक ओमनी आई, जिसके चालक ने गफलत लापरवाही से चलाकर और उसके टक्कर मार दी मोटरसाइकिल के, जिससे मेरे भतीजे शुभम की हॉस्पिटल में लाया था, जो हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गाँव वाले बालेटा में हुई हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में दूसरे दिन शुक्रवार को भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा के कई नेता पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे, साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए समझाइश का प्रयास किया। अलवर ग्रामीण के भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल का कहना है कि इस मामले में समुदाय विशेष के लोगों ने जोगी परिवार पर हमला किया है। हमले में धर्मी जोगी की हत्या हो गई। जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। आपको बता दें कि खेत की तारबंदी कर रहे परिवार पर गुरुवार को हमला हुआ था। इसमें एक व्यक्ति की मौत होने के साथ ही 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अजमेर विकास प्राधिकरण ने माकड़वाली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर हुए पथराव के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। एडीए के पटवारी हितेश चौधरी ने किशनगंज थाने में राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। अलवर सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कारागृह की ओपन जेल में सजा काट रहे कोटकासिम निवासी रविंद्र माथुर की अचानक तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उसे कारागृह से सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मृतक बंदी का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मुझे तो सुबह जेल खुलवाने में आया, उसके बाद में मुझे पता चला कि एक बंदी ओपन गैम का बंदी था वीरेंद्र, पिताजी का नाम किशोर सिंह है, ये कोटकासिम का रहने वाला था और फिर वो रात को उसकी डेथ हो गई थी ओपन गैम पे। उसको वास्तव उपचार के लिए भिजवाया गया तो सुबह उसकी डेथ हो गई थी। मुझे पोस्टमार्टम ये हार्ट का पेशेंट बताया, पहले भी हार्ट के ऐसे उपचार चल रहा है जेल में। अब क्या अटैक वटैक अब ये तो पोस्टमार्टम पता चलेगा। अटैक क्या लग रहा है जी? प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है? हाँ, हार्ट पेशेंट ही था ये, तो इलाज तो हार्ट का ही चल रहा था। अटैक वटैक जी, तो पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा रहे हैं। हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा रहे हैं। अपने यहाँ पर कब से है ये? अपने यहाँ 15/5/2019 से है ये। अच्छा अच्छा, आजीवन का बंदी था ये, खुला बंदी शुरू 15/5/2019 से ओपन जेल में जी। पोस्टमार्टम कार्रवाई जी।
डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा कच्छवासा गांव में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। यहां चोरों ने कपड़ों की दुकान को निशाना बनाया। सदर सीआई चांदमल सिंगारिया ने बताया कि खेड़ा कच्छवासा गांव में बस स्टैंड पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसे चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का माल पार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करौली की श्री महावीरजी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 ग्राम स्मैक जब्त की है। थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि महावीरजी नया थाना भवन के पास से तेजराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तेजराम बड़ा चांदन गांव का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई मामले खुलने की संभावना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक करौली श्री मृदुल कसावा महोदय जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कल दिनांक 3/12/2020 को मन एसएचओ धर्म सिंह एसआई थाना महावीर जी में जाप्ता के दौरान गश्त नए थाने की बिल्डिंग महावीर जी के पास से एक व्यक्ति तेजराम गुजर को अवैध मादक पदार्थ 6.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं उस अनुसंधान जारी है। मुलजिम तेजराम ने बताया कि ये स्मैक मैं अरविंद गुजर निवासी अकबरपुर से खरीद कर लाया हूं। थाना मावजी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। खबर टोंक के मालपुरा क्षेत्र से है, जहां समाज विशेष के कुछ युवकों पर एक लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर डिग्गी कस्बे के में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच उपखंड अधिकारी राकेश कुमार मीणा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ फिलहाल जारी है। बाड़मेर जिले में वन्य जीव प्रेमियों की सतर्कता शिकारियों पर भारी पड़ रही है। ऐसा ही मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाड़खा गांव में सामने आया है। यहां एक शिकारी हथियार, टॉर्च और अन्य कुछ सामान लेकर हिरण का शिकार कर रहा था। इस दौरान वहां कुछ लोगों ने उसे दबोच लिया। शिकारी के पास से मृत हिरण और हथियार बरामद किए गए हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और शिकारी सहित हथियार और मृत हिरण को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया। ये सर रात को करीब दरमियान 11-12 बजे के करीब बाड़का की सरहद में शिकार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे लोगों ने बाकी एक टीम बनाकर बाड़मेर सिंह और बाइक रेंज के स्टाफ के साथ मिलकर कार्रवाई तुरंत मौके पर भेजा गया। मौके पर ग्रामीणों ने शिकारी को पकड़ रखा था, उनसे जाके मौका मुआयना किया गया, लोगों से पूछताछ की गई। जो शिकारी था उसको गिरफ्त में लिया गया। मौके से जो वन्य जीव था जिसको शिकार हुआ था उसको बरामद किया गया। मौका पंचनामा वगैरह बनाकर जो भी मौके जाओ से कार्रवाई कर और उनको बाड़मेर लाया गया है। राजस्थान के निकटवर्ती प्रदेशों में एससी, एसटी और ओबीसी की जो महिलाएं शादी करके आ रही हैं, उन्हें पिछले 2 साल से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सभी प्रकार की भर्तियों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर अजमेर में आप पार्टी की महिला शक्ति ने संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है। दूसरे राज्यों की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें राज्य सरकार यह लाभ दे। राजस्थान के निकटवर्ती प्रदेशों से, जैसे अपने यहाँ आम है कि हम दूसरे प्रदेश से ब्याह करके लड़कियाँ आती ही हैं, तो राजस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी की जो महिलाएं शादी होकर के और समान अपने जाति में ही ब्याह करके आई हैं, उन लोगों का आरक्षण का लाभ यहाँ पर राजस्थान की सरकार 2 साल से नहीं दे रही है। तो उसी के लिए जब ये मामला संज्ञान में आया
तो आम आदमी पार्टी महिला शक्ति राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया है और आम आदमी पार्टी राजस्थान इस मुद्दे को जोर शोर से लेकर आगे जा रही है। आज प्रदेश में सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हम सब जने मिलकर के जिलाध्यक्ष और संभागीय आयुक्त को अपना ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम कि ऐसा जो संविधान सम्मत अधिकार है उसको राजस्थान सरकार ना छीने।